सर हम यहाँ पे पंजाब से आ रहे थे, तो रास्ता में सोनीपत के पास बॉर्डर पे हमको रोक लिया था। हमसे बोला था कि आपको 14-15 दिन यहाँ तक रोका जाएगा, उसके बाद में आपको घर छोड़ा जाएगा। सर सोनीपत के गन्नौर बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में हम रुके हुए हैं। हमसे बोला था सर कि 14 दिन के बाद आपको घर भेजेंगे। डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार हो गई थी, लेकिन हमको जाने का कोई इरादा नहीं है सर। रहने वाले धौलपुर के हैं सर हम लोग। मैं भसेड़ी से हूँ, नाम मेरा सोनू है सर, ये भाई है। मैं सैंपू से हूँ, धौलपुर का रहने वाला हूँ। धौलपुर मेरा जिला है। एक भाई ये है सर हमारा, तीन बंदे हम फंसे हुए हैं। ये है सर सरानी खेरा, मसूदपुर बाकी निवासी बंटी, इसका नाम है। हमारा सर हाथ जोड़े का निवेदन है कि हमारी व्यवस्था यहाँ पे ठीक नहीं हो रही है, खाना पीना सूट नहीं कर रहा है सर हमको। बताओ कब तक हम यहाँ पे रिलीज़ करें। काम इन कर लोगों सकते के हैं। कहने पर हमने 14 दिन काटे, 14 दिन के बाद भी सर हमको 20 दिन हो गए, फिर भी हम स्वस्थ हैं, लेकिन यहाँ से कोई जाने की व्यवस्था नहीं हो रही है सर। इसीलिए हमारा कहना है धौलपुर सरकार से, अपने जिला कलेक्टर साहब से, कि हमको अपने माँ बाप के पास पहुँचाने की कृपा करें।